match. Jishnu ki serve, Muttu ka set. Bahut pehla prayas. Saju Prakash Mehal ka, jo Ryan Meehan ki jagah aaye hain, unko mil gaya point. Bahut hi kamzor block kiya tha is baar Hyderabad ne. Single block mein pakadne ki koshish, short set par itna itni mushkil ho jati hai. Koshish to kar rahe the zarur John Joseph, lekin mumkin nahi. One all. Shaju ki hi ab pehli serve. Baseline ke piche se Vipul ka set. Luis Arias. Chaliye ek aur baar. Dai aur Rohit. Bahut hi shandar angle ka istemal. Recovery achi ki aur uske baad ye dekhi. Eat fit super spike. Angular gain. Is karan se koi mauka nahi Saju Prakash Mehal ke. Shamil nahi. Hyderabad Black Hawks ke. Angle back. Ka pehla serve. Do lagatar man of the match khitab. Zabardast form, lekin utna hi acha form yahan par John Joseph ka. Net touch ka faisla diya hai second referee. He nearly the ace card se point mil gaya Hyderabad Black Hawks ko. Jump to acha kiya tha lekin avoid is samay ki landing thi. Us samay net ko hila diya body touch ki. 3-2 Hyderabad. All rounder ho to Rohit Kumar jaisa ho. पिछले मैच में 21 पॉइंट में से 14 स्पाइक्स, 5 ब्लॉक्स और 2 सर्विस पॉइंट्स. इनका पहला सर्व शॉट टी शॉट. उड़ान भरी, पंख फैलाए और काट दिया स्पाइक. आतिश ऐसा लग रहा है कि शॉन के लिए तो कल का मैच खत्म ही नहीं हुआ. कल जो फॉर्म दिखा रहे थे कैलकट के खिलाफ खुले कोर्ट में डबल ब्लॉक के बीच में इसे लगाने में कामयाब शॉन टी जॉन. कॉन्फिडेंस है, बैक टू बैक मैचेस हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस कल का शानदार. शॉन अब बेसलाइन पर, उनकी सर्विस 3-3 की बराबरी. वो कमाल का रिट्रीव किया है वहां पर आनंद ने, लेकिन जीवित नहीं रख पाए पॉइंट. सही जाना चाहिए उस तेज दरार सर्व को जो शॉन ने दागा था. बहुत ही बढ़िया सर्विस, लेकिन उससे भी बड़ी गलती विपुल कुमार की. उन्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी. फॉलो कर रहे थे अपने साथी जॉन जोसेफ को, जबकि उन्हें बीच में होना चाहिए था. जॉन जोसेफ ने रिटर्न तो किया, लेकिन अपनी पोजीशन पे थे नहीं विपुल. इजी पॉइंट, लगभग एक गिफ्ट है अहमदाबाद के लिए. डाइव तो अच्छी लगाई थी आनंद ने, लेकिन शुरुआत में एक और शॉन की सर्व. इस बार ऐसा लगा कि लेट ढंग से नहीं पकड़ पाए. वो टॉस में थोड़ी दिक्कत हुई, सही संतुलन नहीं मिला शारीरिक तौर पर. एविएशन की भाषा में कहें तो प्री मैच्योर टेक ऑफ था. पूरा रनवे का इस्तेमाल नहीं किया अर्ली टेक ऑफ की कोशिश, इसलिए टाइमिंग सही नहीं. फोर ऑन. जॉन जोसेफ अब शॉन जॉन के बाद. हाय 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 मनोज द माउंटेन, चढ़े उस पहाड़ पे जहां से स्पाइक दाग सकते हैं. लंबे खिलाड़ियों की गिनती में नंबर 2 पे खड़े होते हैं मनोज, और दिखाया कि क्यों कितने खतरनाक है. जंप उनका बहुत ही बेहतरीन, शॉट सेट और किल करने में एक जरा सी भी झिझक नहीं. सर्विस फिर से एक बार सॉफ्ट सी. विपुल का सेट आया है. अच्छा ब्लॉक मुथु स्वामी द्वारा. शाइजू के साथ साथ सहायता मिली थी, लेकिन दूसरी बार ये जोड़ी काम नहीं आई. पॉइंट गया ब्लैक हॉक्स की ओर. डाउन द लाइन किल रोहित का. डबल ब्लॉक तो था मौजूद, लेकिन एक बार ब्लॉक हुए और उसके बाद सेकंड टाइम डाउन द लाइन जाते हुए आउट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये कॉन्टैक्टलेस शॉट, रूपे कॉन्टैक्टलेस शॉट. अमित गुलिया का पहला पॉइंट इस मैच में. विपुल कप्तान सर्व करेंगे. शॉन का पैरी मुथु को मुश्किल परिस्थिति में डाला था, लेकिन एंगल मैन का प्रयास जो था हल्का सा दिशाहीन साबित हुआ. क्रॉस कोर्ट जाने की कोशिश, बैक कोर्ट अटैक था. जगह थी लेकिन थोड़ा सा बाहर मार गए, थोड़ा सा बाहर लैंडिंग. ऑन द लाइन हिट होती है, लेकिन लाइन को भी मिस किया. मामूली सी बढ़त हैदराबाद के लिए. अब सवाल यह है कि वो मामूली होगी अगर 2 पॉइंट की बन जाए. बनने नहीं देंगे. शाजू
बनने नहीं देंगे, वापस बराबरी। मौका मिला है शाजू को और उन्हें पता है कि अहमदाबाद को अब 6 दिन तक कोई मैच नहीं खेलना है, तब तक शायद रायन भी रिकवर कर जाएंगे। तो जो मौका मिल रहा है उसका भरपूर फायदा उठाना, इसी को कहते हैं मौका मिला भरपूर फायदा उठाई। और अब तक ये 2 स्मैश लगा चुके हैं और एक ब्लॉक भी लिया है। 26 साल के हैं शाजू प्रकाश। विपुल का सेट अमित गुलिया के लिए, शॉन ने पैरी किया, अपना मुथु अमित गुलिया ने बहुत अच्छा किया उस तरफ, और फिर लुइस आरियास जिष्णु उसके बाद, और नेट टच की घोषणा। ऐसा लगा कि बेहतरीन रैली चल रही है दोनों तरफ से, लेकिन थोड़ी सी गलती, पहले ये बेहतरीन स्पाइक टिक किया बहुत बढ़िया अमित गुलिया ने। लुइस आरियास आए जरूर लेकिन पीछे आते वक्त नेट टच हुआ वहां पे साजू प्रकाश का, पॉइंट हैदराबाद के लिए। अमित ही अब सर्विस लाइन पर, काली पोशाक में हैदराबाद ब्लैक हॉक्स, नाम में ही ब्लैक है तो जाहिर सी बात है डिफेंडर्स के लिए अभी तो एक आसान सा मौका मिल गया पॉइंट जीतने का, सीधा बाहर मार दी। दूसरी सर्विस बॉल की हैदराबाद की, और अब वो स्थिति आ गई है कि कोई भी टीम जीते टेक्निकल टाइम आउट जरूर होगा। अमूल कूल टेक्निकल टाइम आउट का समय 7 ऑल पे। रोड्रिगो वियाल्बा पर बहुत कुछ निर्भर, रोहित ने पैरी किया था, जिष्णु छकाया बखूबी तरीके से जिष्णु ने, और बड़ा दिला दी है U23 के डिवीजन में। मुत्तुस्वामी का सेट, शॉट नीचे ऑन, अमित गुलिया ही रिट्रीव करेंगे, मजबूरन विपुल को वापस मारना पड़ा। प्रभाकरन मुत्तुस्वामी शॉट किसी तरह पॉइंट गया, हैदराबाद बनाया लेकिन थोड़ा सा एंगल गलत, सही फैसला विपुल कुमार का कि जाने दे उसे लाइन से बाहर। जिष्णु अब सर्विस लाइन पर, रोड्रिगो वियाल्बा मुत्तु का सेट और शॉर्ट सेट पर शाजू ने प्रकाश डाला अहमदाबाद के खेल में। अहमदाबाद के सफेद पोश इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, क्या जबरदस्त रिप्लाई दिया शॉर्ट सेट पर, पहले से आ गए, कॉल कर लिया था, ब्लॉक है नहीं उसका अंदर, बिल्कुल मिड कोर्ट में डालते हुए खुली जगह मिली हुई उसका पूरा फायदा उठाया साजू प्रकाश ने। चौधरी आए हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर और सीधा सर्व करने के लिए तैयार, लेफ्ट हाथ से और गलती कर बैठे। अकेले लेफ्टी हैं अहमदाबाद टीम के, अकेले खिलाड़ी जो गुजरात से हैं अहमदाबाद की टीम में, ये 25 वर्षीय हर्ष चौधरी, अश्विनी पोनप्पा डबल स्पेशलिस्ट नजर आ रही हैं और उनके साथ बैठे हैं दाईं ओर साई प्रणीत, दाईं ओर साई प्रणीत और उनके लेफ्ट में अश्विनी पोनप्पा। जी हां, ऑल इंग्लैंड में भी बेहतरीन प्रदर्शन करा हुआ है साई प्रणीत ने, और उतना ही अच्छा प्रदर्शन यहां पर हैदराबाद ब्लैक हॉक्स के लिए। जॉन जोसेफ और विपुल द्वारा बेहतरीन डबल ब्लॉक, इसे कहते हैं पूरी तरह से विफल करना, पूरी डिफेंस आगे आ गई थी। दाफा न्यूज सुपर ब्लॉक का डेफिनेटली ए स्ट्रॉन्ग प्लेमेंट, क्योंकि डिफेंस आगे कवर कर रही थी और अब ग्रेट सुपर पॉइंट कॉल किया है। यहां पर या तो बढ़त और हो जाएगी पर आपके पास चांस है लीड को काटने का, 2 पॉइंट अब दाव पर, ग्रेट सुपर पॉइंट। आरियास की सर्व, प्रभाकरन का पैरी, मुत्तु का सेट, शॉट नी जोन, शानदार तरीके से ग्रेट सुपर पॉइंट जितवाते हुए अहमदाबाद डिफेंडर्स को डबल पॉइंट यहां पे अहमदाबाद के लिए, और तुरंत ही हैदराबाद ने जवाब दिया। ये देखिए बेहतरीन स्पाइक शॉन जॉन का ब्लॉक के हाथ के बीच में से, और अब ग्रेट सुपर पॉइंट बैक टू बैक। वॉलीबॉल में भी डाल देना चाहिए ये उनकी राय है। फिलहाल अंगा मुथु आनंद पैरी के, अभिपुल का सेट, रोहित
चार पॉइंट मिले और बराबरी पासा पलटते देरी लगती बैक टू बैक करेक्ट सुपर पॉइंट और इस बार ब्लॉक बहुत ही बेहतरीन फ्रंट लाइन में गिरता हुआ ये बॉल ब्लॉक में लग के और ये निराशा अमित गोलिया के लिए क्योंकि सीधा ब्लॉक में मार बैठे थे और कितने खुश है वहां पे शॉन टी जॉन एक पॉइंट आ गया अहमदाबाद अमित गोलिया विपुल रोहित इस बार वो गलती नहीं करेंगे इस बार नहीं करेंगे एक बार कर दी तो उससे सीख में अवॉइड करने का डबल ब्लॉक मौजूद था लेकिन पूरी तरह से क्रॉस कोर्ट गए रूपे कॉन्टैक्टलेस शॉट विदाउट अ डाउट कोई मौका ही नहीं लिबेरो प्रभाकरण के लिए सब्स्टिट्यूशन हुआ है हैदराबाद ब्लैक हॉक्स के लिए विपुल को थोड़ा बहुत विश्राम दिया गया उनकी जगह हरिहरन को उतारा है रूबिन वॉलेचिन ने दूसरे जो सेटर हैं इस टीम के करेंगे सर्व शॉन का फोकस देखिए क्या उन्हीं की तरफ आएगी जी नहीं दूसरी ओर भी आलबा ने टच निकाला मुथु का सेट आया शॉन की ओर ही और पॉइंट मिल गया ने प्रयास किया था हैदराबाद वैसे भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है और काफी दूर थे दोनों ब्लॉकर्स इस कारण से एक गैप में लग के छिटकी बॉल और पूरा कोर्ट की चौड़ाई नापते हुए बाहर सच में बिल्कुल सही अंगमुत्तु का शॉन जब सर्विस लाइन पर होते तो कैसी सर्व आएगी से और जैसे ही बॉल आई पहले तो ये रिकवरी प्रभाकरण की और उसके बाद ब्लॉकर साइड ये होती है कला एक सेटर की टाइम आउट देने में मजबूर क्या लुत्फ आ जाएगा चलिए टाइम आउट के बाद सेट पॉइंट शॉन सॉफ्ट सर्व आने मैरो है आए जंप लिया पूरा एक्शन स्मैश स्पाइक का था लेकिन स्मैश करने की बजाय डेलिकेट ड्रॉप फ्रंट कोर्ट पे और इस कारण से प्रभाकरण पूरी टाइम लगाया लेकिन टिक नहीं कर पाए अभी भी एक सेट पॉइंट है और जॉन जोसेफ की सर्व है जिन्होंने वो पॉइंट जितवाया था एक और टाइम आउट की घोषणा अंदर आना चाह रहे कोर्ट पर दो सब्स्टिट्यूशंस कर चुके हैं इस पॉइंट से पहले रूबिन वॉलेचिन विपुल को वापस उतार दिया था और साथ ही साथ लुईस आरियास को भी डी दयानिधि के साथ चर्चा चलती हुई मना कर दिया आउट पे आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं आपको पहले कॉल करना था आपने टाइम आउट से पहले नहीं कॉल किया इसलिए सेकंड रेफरी ने डिनाई किया उसे जॉन जोसेफ के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेज सर्व के लिए गए और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए क्योंकि अंततः अहमदाबाद डिफेंडर्स को दे दिया उन्होंने पहला सेट